शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसमें किंग खान के साथ सलमान खान की एंट्री को काफी पसंद किया गया था। फिल्म में एक्टर का भले ही छोटा रोल रहा हो, लेकिन इनकी जोड़ी ने कमाल ही कर दिया था। ऐसे में अब खबर है कि ये जोड़ी एक बार फिर से टूट गई है, मगर रियल में नहीं बल्कि रील में। यशराज फिल्म ने पठान की सफलता के बाद फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है। इस्लान का ऐलान भी कर दिया गया है। यशराज फिल्म ने पठान की सबसे बड़ी सफलता के बाद ये बड़ा ऐलान किया है। प्रोडक्शन हाउस एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर बवंडर लाने की तैयारी कर रहा है। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। जहां बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी, वहीं अब पठान की हिट के बाद मेकर्स को नई किरण मिल गई है और वो अभी से ही फिल्मों की रिलीज के स्लॉट ले रहे हैं। यशराज फिल्म ने बड़ी फिल्मों का ऐलान किया है। सलमान खान और शाहरुख खान साथ में बड़ी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं, मगर इनके बीच दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी देखने को मिलने वाली है। दोनों खान टाइगर वर्सेस पठान और टाइगर 3 में दिखाई देने वाले हैं। तरुण आदर्श के ट्वीट की माने तो यशराज फिल्म ने बैनर तले आने वाली फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें एक टैग है टाइगर वर्सेस पठान। इस लिस्ट के सामने के आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस टाइटल से एक बात तो साफ है कि सलमान खान और शाहरुख खान ऑन स्क्रीन भिड़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। फैंस भी इन्हें साथ देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं, वो भी आपस में भिड़ते हुए। पठान में यारी तो सबने देखी है, लेकिन अब पर्दे पर दुश्मनी देखने के लिए भी लोग बेताब हो गए हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या दोस्ती के बाद अब दुश्मनी बॉक्स ऑफिस पर बवंडर लाने में कामयाब होगी।